तेरे जैसे टुच्चे सेल्समैन के लिए मैडम क्या फ्री बैठी हैं? चल निकल यहाँ से। कहाँ से आ जाते मोठा के साले। बंद करो दरवाजा। जैसा मैं इकलौता हूं पर तू ना समझ पाएगा। विषकन्या 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 विषकन्या। जैसे जैसे तू मेरे करीब आती जाएगी ना विषकन्या, मेरे पैरों का रंग तेरे विष के रंग की तरह होता जाएगा, खालिस विष के रंग जैसा। अगर वो विषक निशान वाला इंसान मुझे जल्द से जल्द नहीं मिला, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा मेरी लाइफ में। इतनी दूर मैं आया हूं तुझसे मिलने, 2 कदम तो तुझे भी आना पड़ेगा मुझसे मिलने। खुशी से नहीं तो मजबूरी से। विषक निशा, आसमान में तेरे लिए छोड़ दी है निशानी, सर उठा के देख विषकन्या, तुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि आ गया हूं मैं। विषेरा, आसमान में विषक निशान सिर्फ वही बना सकता है और इस दुनिया में सिर्फ इसी के सामने मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। मुझे सुनते सुनते वो यहाँ तक पहुँच गया। इससे पहले कि वो विषेरा मेरी इच्छाधारी विष को अपने वश में कर ले, मुझे वो विषक निशान वाले इंसान को ढूंढकर उसकी बॉडी अपने विषेला को देनी होगी ताकि वो उस बॉडी में घुसकर अपने आप को बचा सके और हम अपने वंश को आगे बढ़ा सके। कहाँ है वो विषक निशान वाला इंसान? कहाँ है वो विषक निशान वाले विषक निशान वाला लड़का मिल जाए, फिर उसकी बॉडी अपने विषेला को देकर उसकी जान बचा लूंगी। मोहित सर की ब्लड रिपोर्ट्स कब तक आएंगे? आज में आ जाएंगी। ठीक है। और हाँ, मुझे ना मार्केट जाना था, कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस लेने। यहाँ आते जाते कैसे? वो गाड़ी जा रही है मार्केट सामान लेने के लिए। थैंक यू। आदित्य तुम? सॉरी मैं तो। एक मिनट, एरोप्लेन नहीं है ये, कार है मेरी। नहीं मैं तो बस वो। और मेरी ही कार में बिना मेरे परमिशन के बैठ के मुझे ही ड्राइवर बुला रही हो। सॉरी मैं तो। नहीं ओके चलो डॉक्टर, अब ये कार टेक ऑफ ही करेगी। आदित्य दिमाग से नहीं सोचता है, दिल से सोचता है और जो दिल में आता है वो करता है। आदित्य एक्सीडेंट हो सकता था हमारा, हमें चोट लग सकती थी। Oh, listen, shut up. अपनी चोटों की परवाह मैं खुद कर रहा हूँ और मैंने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी कि आओ मेरी गाड़ी में बैठो घुमा के लाता हूँ तुम्हें। तुम्हें इंसान की जान की जरा भी कदर नहीं है ना। जो दिल कहता है मैं वो करता हूँ। दूसरों को क्या फील होता है, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इतने सेल्फिश और इतने फुल ऑफ योरसेल्फ कैसे हो सकते हो? Well, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू तुम मुझे उस दिन कहना जिस दिन तुम अपने अलावा दूसरों के बारे में सोच सको, लोगों से तमीज से पेश आ सको, इंसान की लाइफ की वैल्यू कर पाओ। एक दिन आएगा आदित्य जिस दिन तुम्हें सेल्फलेसनेस का मतलब समझ में आएगा। God, stop it! तुम्हारे इस बोरिंग मॉरल साइंस का लेक्चर में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वापस जाने का रास्ता खुद ढूंढ लेना। बेकार की चीजें मैं अपनी गाड़ी में नहीं रखता हूँ। तुम्हें इंसान की जान से ज्यादा प्यारी तुम्हारी ये गाड़ी है हाँ? ये कार, पार्टीज, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें पसंद है ना तुम्हें। ये लिखो। अब क्या करोगे? तुम्हारी कार तो बेकार हो गई। करेक्ट। चाबी तो तुमने फेंक दी, तो अब ये कार तो चलेगी नहीं। अब जो चीज नहीं चलेगी वो तो बेकार हो गई है। अब बेकार चीजों में आई मीन तुम्हारी जैसी बेकार की चीजों में आदित्य को कोई इंटरेस्ट नहीं है। मोती ढूंढने के लिए समंदर की गहराई में उतरना पड़ता है। तुम्हें डूबना भी पड़े तो डूब जाओ, लेकिन मुझे वो इंसान लाके दो जिसके शरीर में वो निशान है। मैडम मालकिन, मैं ढूंढ के थक गया हूँ। मेरे पास एक आइडिया है और सुझाव। आपके जहन में जो भी निशान है आप मेरे बदन पे बना लो और मुझे ही अपने पास रख लो। भंडारी, जबान नहीं दिमाग चलाओ। घिस घिस के आधे क्यों ना हो जाओ, लेकिन उस निशान वाले आदमी को ढूंढो। गॉट इट, समझ गया। फिर वही भात के तीन पात। अरे इससे अच्छा पूल पार्टी रख लो ना, सब दिख जाएगा। पूल पार्टी हाँ, नॉट अ बैड आइडिया। पर ये आइडिया तुम्हें क्यों नहीं आया सबरीना? एनीवेज मुझे तो लगता था इंसान एक ऐसा ट्यूबलाइट है जिसकी चोक हमेशा हमेशा के लिए खराब हो चुकी है, बट सरप्राइजिंगली इसकी तो जल पड़ी। चलो, इंसान की बुद्धि किसी काम तो आई। लेकिन ये पूल पार्टी रखूं कैसे? मोहित की तबीयत ठीक नहीं है, वो बिस्तर पे है, उसमें पूल पार्टी रखना कुछ ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इससे पहले कि वो विशेरा मुझ तक पहुंच जाए। अरे आ जा यार। चल, कैसा है? बहुत सही। अरे तू भी ना यार, मतलब तुझे आइडिया कितना मिस किया मैंने। तो क्या ये एग्जाम्स के चक्कर में फंस जाता है यार। लाइफ ना एग्जाम्स देने के लिए नहीं है, ऐश करने के लिए है। अरे थैंक्स यार। तू यही रुक जा, ये तू आते ही सेंटीपना मत किया अगर प्लीज। ये तेरे थैंक यू से ना मैं पक जाता हूँ। एकदम पकना तो तुझे पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं तेरे पास। मेरा MBA फंड किया है तूने और 25 लाख रुपए हायर स्टडीज के लिए अलग से दिए। कौन करता है आदि ऐसा यार। देख, सिंपल फंड है, तुझे ये एग्जाम पढ़ाई वढ़ाई करने थे, लाइफ में बोरिंग काम करने थे, ठीक है कर। मेरे पास फालतू के पैसे पड़े हैं, मुझे नहीं पता उनके साथ क्या करना है। तेरे काम आ गए, बेस्ट है, बिग डील। सुन, तू ये सब छोड़, तेरे लिए किलर पार्टी ऑर्गेनाइज की है मैंने, यू विल लव इट। पार्टी वार्टी तो सही है, ये बता मोहित भैया कैसे? हाँ चल। क्या है ये? हेलो मैम, मैम वो आदित्य बाबा के फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके लिए पार्टी रखी है लॉन में। थैंक यू मैम। बाबा आदित्य, I will make you a fool. Yes ma'am, let's party in the swimming pool. Sir, एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानना, आपका ये जो भाई है ना आदित्य, मुझे ना इसका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ना ढीला लगता है। ये कितना रूड, बदतमीज, अकड़ू, घमंडी, चालू टाइप का इंसान लगता है मुझे। सॉरी सर, मैं इतने सारे वर्ड एक साथ बोल रही हूँ ना, अगर एक लाइन में बोलूँ ना तो मुझे ना डाउट होता है कि आपकी इस हालत का जिम्मेदार ना वो आदित्य। बस एक बार आपके ब्लड रिपोर्ट्स आ जाना तो। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। मोहित भैया कैसे हैं आप? आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। तुम्हारी जैसी बेकार की चीजों में आदित्य को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे ले मिस, कि हम लोग कितना मस्ती करते थे। सिड यार, तू जितना इमोशनल होगा उतना ही दुख होगा तुझे, क्योंकि भाई के ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। हाय, आई एम सिद्धार्थ। हाय डॉक्टर आलिया। वैसे तो ये डॉक्टर है मगर जासूसी का ज्यादा शौक है इन्हें। क्यों? सिद्धार्थ राइट? What's up? Welcome to Kothari Estate and I am Sabrina, right? Wow, जितना मैं सोचती हूँ मैं तो उससे भी ज्यादा फेमस हूँ। आदि ने बताया था आपके बारे में। I see. सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते। See it with your own eyes. वैसे आपको कैसे पता मेरा नाम सिद्धार्थ है? आपको पता नहीं? कोठारी एस्टेट की CCTV कैमरा हूं मैं। कोई भी हलचल होती है या एक पत्ता भी हिलता है तो मुझे पता चल जाता है। फनी। वैसे आदित्य और मैं बचपन के दोस्त हैं। अब हमारे भी दोस्त बन जाइए, या फिर आदित्य ने मना किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सो गुड टू हैव यू हियर। तुम्हारे आने से घर में रौनक आ गई। हाँ यार सिड, अच्छा हुआ तू आ गया। मैं यहाँ पे फेक लोगों की अपनेपन की एक्टिंग से मेरा दम घुटने लगा था। आई एम सॉरी आदित्य, पर शाम ने बताया तुम्हारा फ्रेंड आया है, इसीलिए बस वेलकम करने आया। वेलकम ड्रामा की अच्छी तैयारी की तुमने। गुड परफॉर्मेंस, थैंक यू। सबरीना, सुनिए आदि, ये क्या किया तूने? वो बेचारी मेरा वेलकम कर रही थी और तूने उसे... बेचारी, my foot। सिड मेरी बात सुन, यहाँ पे लोग सोचते कुछ और है, होता कुछ और है और मतलब कुछ और ही निकलता है। क्या मतलब? गिरगिट समझता है, वो अपना रंग बदलता रहता है, उसके असली रंग का पता नहीं चलता। और ये जो सबरीना है ना, ये महा गिरगिट है, तू इसके रंग में मत रंग जाना। तू मेरा दोस्त है, उसका नहीं। अरे आदि, हुआ क्या तुझे? सुन तो सही, अरे बात तो कर, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे हर बात पर? असली गिरगिट तो ये आदित्य है। बेचारी सबरीना मैम को बुरा प्रूफ किया ताकि उस पर कोई डाउट ना आए। हाउ स्मार्ट। आलिया, तुझे ना ऐसे एक स्टेप आगे का सोचना है। वो सबरीना मैम, उनको कितना बुरा लगा होगा। आदित्य को पूल पार्टी के लिए राजी कराना बहुत मुश्किल चीज है, पर मुश्किलों को ये नहीं पता कि सबरीना क्या चीज है। पूल पार्टी तो आज होके ही Well done, Sabrina. क्या हो गया? पार्टी के पहले डांस करना शुरू कर दिया? लॉन में तो चींटियां पार्टी मना रही है। आपकी पार्टी यहाँ लॉन में नहीं हो पाएगी। इतनी सारी चींटियां आई कहाँ से? ये नहीं पता बाबा, लाल चींटियां हैं। जंगल राज है आदित्य। आई मीन चींटियों का जंगल राज है, जंगल से आ गई होगी। एक सवाल पूछूं, चींटियों को कभी स्विमिंग सूट में देखा है क्या? What? सवाल का जवाब सवाल से नहीं, जवाब से दिया करो आदि। और जवाब है नो। चींटियां तैर नहीं सकती, पर इंसान कर सकता है। चींटियां पानी में नहीं जा सकती, पर इंसान जा सकता है। एक सेकेंड, आप कहना क्या चाहती हो? मतलब पार्टी लॉन से हटा के पूल में शिफ्ट कर सकते हैं। थीम पार्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, राइट? हाँ, कर सकते हैं। इट विल बी फन। अप टू यू। ये तो बस सजेशन था, बस। सबरीना, यू नो व्हाट, मेरा एक रूल है कि तुम जो भी बोलोगी वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और मेरा सेकंड रूल है कि मैं अपना पहला रूल तोड़ सकता हूं। पूल पार्टी खराब आइडिया नहीं है। लेट्स डू इट। सुनो। यस बाबा। पार्टी लॉन में नहीं होगी, पूल में सेटअप करो। ओके बाबा। पार्टी में आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी क्या, या घर वाले भी आ सकते हैं? ऑफ कोर्स, आपको तो आना ही है, आपके बिना पार्टी में फन क्या। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जैसे इंसान तो बनने ही बंद हो गए। I'll just change and come. क्या सबरीना मुझे पार्टी में नहीं चाहिए? देख आदित्य, तेरी पार्टी का मेन गेस्ट मैं हूँ। अब वो मुझसे ऐसे पूछ रही है तो मैं उसे मना कैसे कर सकता हूँ? मुझे मना करने देता? गेस्ट तू है, लेकिन पार्टी मेरी है। और ये सबरीना और डॉक्टर आलिया मुझे पार्टी में नहीं चाहिए। लेकिन आदित्य। हाय, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। आदित्य के हिट लिस्ट में मेरे साथ साथ आलिया भी है। ओह माय गॉड। मारिया, आलिया को खबर कर देना कि शाम को घर में पूल पार्टी है, उसे आना पड़ेगा। एक्चुअली उसे ये कह देना कि मैंने कहा है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकती। इस पूल पार्टी के जरिए ढूंढना ही होगा उस विषक निशान वाले इंसान को। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.